मधुबनी जिले की बेटियां पेंटिंग और सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बल दे रही हैं। एक रिपोर्ट। पंचायत में कृष्ण चंद्र शक्ति फाउंडेशन के माध्यम से 600 से ज्यादा लड़कियों को मिथिला पेंटिंग और सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही लड़कियां आत्मविश्वास से भरी हैं। पल्लवी कुमारी कहती हैं कि पेंटिंग का प्रशिक्षण प्राप्त करके वो अपने दम पर खड़ा होना चाहती हैं। वहीं श्रुति कुमारी ने बताया कि वो सिलाई का प्रशिक्षण लेकर खुद का रोजगार करना चाहती हैं ताकि दूसरों को भी रोजगार दे सके। मिथिला पेंटिंग की ट्रेनिंग हम लोग 1.5 महीना से ले रहे हैं और हम लोगों का उद्देश्य यही है कि हम लोगों का भी पेंटिंग बाहर जाए, विदेश जाए और ज्यादा से ज्यादा दामों में बिके। मैं सीख के जाऊँ, कुछ अपना कुछ करूँ, अपने लिए अपना कुछ निकालूँ, खर्चा निकाल सकूँ या कुछ सीख के किसी और को भी सिखा सकती हूँ, अपना संस्था अपने से भी चला सकती हूँ। फाउंडेशन के संस्थापक पंकज झा दुबई में रहते हैं, लेकिन उनका सपना है कि उनके गांव की बच्चियां आत्मनिर्भर हों। इसी मकसद से उन्होंने यह प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। अभी तक कम से कम 600 से ज्यादा महिलाओं को हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं ताकि वो अपने पाँव पे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अपने लड़कियां अपने पाँव पे खड़ी हो सके। खुशहाल भारत के लिए महिलाओं का आत्मनिर्भर होना जरूरी है। आत्मनिर्भर होने से ही वे सशक्त होंगी। मधुबनी से पंकज कुमार मिश्र की रिपोर्ट के साथ दूरदर्शन समाचार पटना।